2016 में मेरे एक छोटे भाई ने भी ऐसे आत्महत्या कर ली थी, उसने मेरे छोटे भाई ने, तो बड़ा मैं दुखी हुआ उसके बाद, और ऐसा मुझे लगा कि जीवन को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जब महाराज के धाम में आया तो मेरे यहाँ पर आके विचार बदल गए मेरे। अज्ञात शक्ति ने ही मुझे प्रेरित किया, बाबा ने ही प्रेरित किया, ये तो पक्का है। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बाबा नीम करोरी महाराज की जय। इतिहास साक्षी है कि हमारे कितने ही ऋषि मुनियों ने इस पावन धरती पर, इस पवित्र नदियों के किनारे पर अपनी तपस्या की, अपना ध्यान लगाया। ऐसी बाबा नीम करोरी महाराज जी को भी ये नदी बहुत ही प्यारी थी, वो अक्सर इस नदी के किनारे बैठकर इस नदी को निहारा करते थे। हम बाबा से इतना प्यार करते हैं, बाबा हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं, तो फिर हम बाबा की इस प्यारी नदी को क्यों गंदा करते जा रहे हैं? ये नदियाँ तो हमारी माँ है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इनको स्वच्छ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें? तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं जगदीश जी से, जो कि निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। तो सर आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ कब से जुड़े हुए हैं? जी मैं तो यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ, 10 साल की उम्र से आ रहा हूँ, 34 साल हो गए मुझे आते हुए। लेकिन पहले हम ऐसे इतना नहीं आते थे, कभी कभार ही आना हो पाता था इधर। करीब 2000 सन से मैंने यहाँ पर काफ़ी अधिक आना शुरू किया इधर, तो 5 महीने से तो लगातार आ रहा हूँ सुबह की आरती शाम की आरती में। तो महाराज की बड़ी कृपा है हम पर, बचपन से ही मैंने देखा। तो इधर 2015 से मैं इसकी जो पवित्र उत्तरवाहिनी नदी बाबा के धाम के बगल से गुजर रही है, इसको मैं सफाई भी कर रहा हूँ, काफ़ी महाराज के आदेश से कर रहा हूँ मैं। कोई अज्ञात शक्ति ने मेरे से करवाया ये काम, क्योंकि ये बड़ा असंभव कार्य था, लेकिन महाराज ने किया। हमने 100 ट्रक इसमें से कचरा निकाला, और काफ़ी इसमें से लोगों की जो ओपन घरों की सीवेज वो भी हटाई हमने इसमें, काफ़ी से 70-80 वो हटा दी। और आज हमारे मतलब हमारी समिति के प्रयास से 70% नदी साफ हो गई है। तो काफ़ी एक जागरूकता अभी आई, क्योंकि इस नदी का असल में इसका महत्व बड़ा है, क्योंकि उत्तरवाहिनी है, उत्तरवाहिनी नदियाँ बहुत ही कम होती है। कुछ बताना चाहेंगे आपके साथ बाबा के चमत्कार, बाबा की लीलाएं जो आपने महसूस की? बाबा जी के मेरे पास बहुत चमत्कार हैं। 2017 में मुझे नदी में अत्यधिक श्रम करने के कारण, जब मैंने सफाई इतना ज़्यादा गैडी बेलचा चलाने के कारण मेरी हाथ उतर गई थी, एंग्लिकन हार्निया हो गया था मुझे, तो बहुत बुरी मेरी हालत हो गई थी। मुझे 15 दिन में ऑपरेशन होना था, सर्जन ने हल्द्वानी में संजय जुआल जी के, वहाँ मैंने दिखाया था सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा था कि आपका 15 दिन में इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। बहुत बुरी मेरी हालत हो गई थी, तो मैं महाराज के धाम में आया, मैंने यहाँ बाबा से प्रार्थना करी। मतलब मुझे ऑपरेशन से तो डर नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि थोड़ा अभियान मेरा बाधित हो जाएगा, ऑपरेशन होने से कुछ समय लगेगा। तो मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हार्निया ही मेरा इंडिकेट नहीं हुआ दोबारा। फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं हो पाएगा, जब मैं गया 15 दिन बाद। और महाराज की बड़ी कृपा है, अभी कोरोना हुआ था मुझे 10 महीने पहले, तो लास्ट स्टेज में चला गया था मैं। 780 शुगर मेरा, 170-210 बीपी चल रहा था, ब्लड आ रहा था मुँह से, लेकिन महाराज ने मुझे बचा लिया। 25 किलो वजन कम हुआ है 1.5 महीने में, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ आपके सामने, तो महाराज की कृपा है। इधर भूमियाधार वाले मंदिर में महाराज ने मुझे एक बार दर्शन भी दिए हैं, वहाँ पर महाराज ने मुझे बिल्कुल साक्षात दर्शन दिए हैं। पूरे मुँह से कुछ बोले तक है, लेकिन मैं सुन नहीं पाया, हल्की आवाज़ थी, सो मैं सुन नहीं पाया बिल्कुल। बाबा ने मुझे साक्षात, हनुमान जी की कृपा है पूरी मेरे ऊपर। बाबा जी से जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, उनके मन में बड़े ही सपने होते हैं, बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सर इनके लिए क्या कहना चाहूँगा, मैं तो यही कहता था, अगर आपका कंप्लीट सरेंडर होगा, मतलब पूर्ण समर्पण होगा, तो महाराज कुछ भी कार्य यहाँ पर असंभव नहीं है, सब आपका सर्व मनोकामनाएं यहाँ पर सिद्ध हो जाएंगी। मतलब लेकिन समर्पण पूरा होना चाहिए महाराज। मैं भी देखता हूँ ना, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम लोग तो अभी झुक भी नहीं पा रहे हैं, अभी हम दंडवत भी नहीं कर पा रहे हैं प्रणाम महाराज को, कि ऐसे दूर से ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, कम से कम दंडवत भी नहीं हो पा रहे अभी तो हम, अभी तो बड़ा ऐसा लगता है। लेकिन बिल्कुल होगा, महाराज सब करते हैं, कृपा सब करते हैं महाराज। जो भी हो, सारी यहाँ पर समस्याओं का समाधान महाराज के पास है। कोई भी भक्त हो, अगर आप दिल से बाबा को याद करेंगे, तो जरूर आपका कार्य सिद्धि होगी, बिल्कुल ऐसा मेरा पूरा मानना है, क्योंकि साक्षात हनुमान जी के अवतार है महाराज। तो कैंची धाम आश्रम में आपका महीने में कितनी बार आ जाना होता है? आप तो शायद पास में ही रहते हैं। मैं तो सर पास ही रहता हूँ, भवाली 13 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं तो डेली आ रहा हूँ पास देने से आरती में। लेकिन मैं पहले भी अक्सर सर करीब 20 वर्षों से भी मैं यहाँ पर आता ही था सर, महीने में 2-4 बार ऐसे करके मैं बराबर आता था महाराज। मैं 22 सालों से साधना कर रहा हूँ महाराज की। जज्बे, आपके जुनून को हम नमन करते हैं जगदीश जी। आपका संघर्षमय जीवन, आपने अपने अतीत में इतने दुख झेले और फिर भी आप इस कार्य को कर रहे हैं, आप अपने कुछ और अनुभव दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहेंगे? जैसे आपके अतीत के वो पल, वो क्षण जिससे आप बहुत ही परेशान हो चुके थे और बाबा के दर पे पहुंचे। बहुत
अक्सर एक्सपीरियंस है, जब भी मैं जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ गए थे कि बड़ा परेशान हो गया था मैं, बिल्कुल एकदम जीवन से बिल्कुल तंग आ चुका था मैं, बिल्कुल ऐसा उब गया था। क्योंकि एक 2016 में मेरे एक छोटे भाई ने भी ऐसे आत्महत्या कर ली थी उसने, मेरे छोटे भाई ने, तो बड़ा मैं दुखी हुआ उसके बाद। और ऐसा मुझे लगा कि जीवन को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जब महाराज के धाम में आया तो मेरे यहाँ पर आकर विचार बदल गए मेरे बिल्कुल महाराज ने। और बहुत कुछ ऐसी आई, कुछ मुश्किलें काफ़ी आई, लेकिन जब भी आई यहाँ पर बाबा के धाम में आकर उनका समाधान निकल गया उन मुश्किलों का। तो मैं महाराज के ही पूरा समर्पित किया है मैंने जीवन, नदी के लिए पर्यावरण के संरक्षण का कार्य कर रहा हूँ, इस नदी के लिए कार्य कर रहा हूँ, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं पानी बढ़ाने के लिए, इसको सफाई कर रहे हैं। और इसको हमने एक इस तरह से इसका प्रचार किया तो आज सरकार ने भी इसको हाईलाइट हुई नदी, तो इसको 13 करोड़ 45 लाख की एक योजना भी बनी है इसको पुनर्जीवित करने के लिए। सब कुछ महाराज ने किया है, मैं तो एक खाली माध्यम हूँ सर, ये सब महाराज की ही कृपा है, महाराज ही सब कर रहे हैं, हमको एक माध्यम बनाया है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज ने मुझे ये पवित्र कार्य, पावन पवित्र कार्य करने का अवसर दिया। तो बिल्कुल बाबा मेरे लिए सब कुछ है, बाबा मतलब बाबा ही सब कुछ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, करने वाले तो बाबा ही हैं, हम तो एक माध्यम एक जरिया हो जाते हैं। बाबा कब अपनी लीलाएं कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में सर हमारा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कार्य है हमारा थोड़ा, लेकिन मैं तो सर 2015 से अन्य कामों को करके मैं तो नदी की साफ सफाई में ही लगा हूँ, और भी जगहों में कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मैंने कई जगह मैं तो कूड़ा ही उठा रहा हूँ 2015 से, मेरा यही काम है पेड़ लगाना, लोगों को जागरूक करना, तो मेरा अधिकतर समय इसी में गुजरता है। हमने एक संस्था का भी गठन किया है, तो मैं फिलहाल पूर्ण रूप से इसी कार्य को कर रहा हूँ सर। मैं सर ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम नदियों के जल को स्वच्छ करें और ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाएं। मैं 70,000 पेड़ बांट चुका हूँ सर 2015 से अभी तक, मैंने 70,000 पेड़ आसपास डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को, तो काफी बड़ा काम किया है, काफी अपना भी एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें खर्च किया है। जो अपने पास बचत थी वो भी करीब 15 लाख से ऊपर, तो वही लगा चुका हूँ अपने जेब से ही लगा चुका हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे सहयोग भी करते हैं, जैसे रंगी कई लोग हैं, रंगीला जी हैं, इतने लोगों का तो नाम ले पाना, रंगीला सौदागर जी जो यहाँ पे चैनल बनाते हैं, और मेरे एनजीओ में भी हैं, बहुत सहयोग करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा इनका सहयोग है। रामवीर तंवर जी हैं पॉइंट मैन, जो रामवीर तंवर जी ये आप नोएडा के पास, उन्होंने 42 तारा रिवाइव कर दिए हैं पॉन्डमैन के नाम से फेमस है, वो भी मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे सहयोगी हैं। अच्छा, तो हमारे साथ सर एक पूर्व कृषि अधिकारी रिटायर्ड मेरे पड़ोसी हैं लाल सिंह चौहान जी, जिनको वाटर कंजर्वेशन का 35 सालों का अनुभव, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एक पूर्व वन रेंजर हैं आचार्य कैलाश व्याल जी, वो भी मेरे संस्था में हैं। तो इन लोगों का सहयोग से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ कब से जुड़े हुए हैं और आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस तरह के कार्य को किया जाए? क्योंकि ये बड़ा ही चैलेंजिंग कार्य था, बहुत मुश्किल काम था। ये तो हमारा देखिए पास का ही मंदिर है, हम तो यहाँ पर बहुत छोटे पने से आ रहे हैं, 10 साल की उम्र से हम आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भंडारा खाने आते थे हम पहले। तो आपने बाबा जी के साक्षात दर्शन भी किए? नहीं, मैं तो 77 में पैदा हुआ, बाबा तो 73 में शरीर छोड़ चुके थे। वो तो अभी हुए हैं 2 महीने पहले करीब, भूमि आधार नामक स्थल है उनका महाराज का मोहाली के पास। अच्छा, हुए थे मुझे बाबा, क्योंकि मैं ध्यान आदि काफी करता था वहाँ पर, बैठता था कई वर्षों तक किया मैंने वहाँ पर भी ध्यान, भूमि आधार में जाके बाबा का बेडरूम है वहाँ पर, उसमें हमने किया। तो समर्पण था एक, अगर असल में जब समर्पण होता है तो पूरा भक्ति फलित हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अपना भी अनुभव है। अच्छा, ये बताइए कि जो नए भक्त जुड़ रहे हैं या पहली बार यहाँ पर आना चाहते हैं, उन सबके भी दुख अपने अपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि हम एक बार यहाँ पर आएं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना, ऐसे एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन आपको ना जीवन भी देखना पड़ेगा, आपका जीवन किस तरह का है ना। देखिए आपका क्या कर रहे हैं, आप कार्यकलाप देखिए ना अपने, कि आप किसी की मदद करते हैं या किस तरीके से आप कर रहे हैं, किसी के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, ये चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है ना उसमें कारक। अगर आप जीवन को ना कार्य को देखिए ईमानदारी से करिए, मैं मानता हूँ कि अगर ईमानदारी से करेंगे शायद 1 लाख कमाएंगे, बेईमानी से 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा शक्ति 1 लाख वाले में मैं तो कह रहा हूँ, अपना जीवन भी सात्विक बनाना पड़ेगा ना, मांस छोड़े ये नशीली चीजें छोड़े, तो उसका भी बड़ा महत्व है उसमें। अगर आप यहाँ आके इन चीजों को त्यागिए ना पहले, मांस छोड़िए, अगर आपको वास्तव में भक्ति प्राप्त करनी है तो इन चीजों को तो सर त्यागना पड़ेगा, तो उससे आपको जल्दी गति होगी उसमें। आप बाकी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम नदियों के जल को स्वच्छ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं। समय की कमी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यह आपके इंटरव्यू का पार्ट ए था, इसके बाद हम आपसे फिर इंटरव्यू लेंगे जो पार्ट टू होगा, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग्स हैं और आपका जो एनजीओ है, आपकी संस्था है, उससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं या उसमें कुछ अपनी सेवा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं? जी मैंने काफ़ी लिखे हैं, एनवायरनमेंट पे हैं मेरे, रेन ये आपके फॉरेस्ट फायर, ट्री प्लांटेशन, हर चीज़ पे हैं मेरे सर, नदियों की साफ सफाई। अच्छा, काफ़ी आर्टिकल है मेरे, ज़्यादा मैं
पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन एक महाराज लिखवाते हैं भीतर से निकल नहीं, 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 बाबा नीप करोरी महाराज जी के बारे में भी या उनके चमत्कारों के बारे में भी कुछ आप आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं या फिर आगे लिखने की कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं? मैंने सर लिखे हैं कुछ आर्टिकल बाबा के महाराज के, क्योंकि जब मैं नदी की जब 2015 से मैंने सफाई अभियान किया था, अज्ञात शक्ति ने ही मुझे प्रेरित किया, बाबा ने ही प्रेरित किया ये तो पक्का है। लेकिन जब मैं नदी में उतरता था सुबह तो मुझे भूख प्यास सब गायब हो जाती थी, उसमें न भूख लगी न थकान न प्यास। मैंने 4 मजदूरों के बराबर अकेले नदी में कार्य किया है, तो महाराज की तो कृपा है ही, कुछ भी थकान भी नहीं होती थी, तो मैं महाराज के ही यहाँ पर आके प्रार्थना करता था। तो काफी हमने काम किए हैं सर, बड़े बड़े काम हुए हैं जो एक आदमी के लिए संभव नहीं है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। भक्तों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि प्रभु की कृपा महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूंगा आपको धैर्य रखना चाहिए, बाबा में आस्था रखिए, महाराज में, और जरूर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन मेरा एक संदेश है सर, जहाँ भी हमारी नदियाँ आदि हैं गंदी, देखिए इनमें मैं तो ये संदेश दूंगा कि देखिए टूरिस्ट लोग गाड़ियों से फेंकते हैं पानी की बोतलें, कुरकुरे, ये सब हमारा नदियों में जाता है। अगर आप नदियों के प्रति थोड़े अवेयर हो जाएंगे तो आपके जीवन में वैसे भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। अगर आप नदियों की साफ सफाई, पर्यावरण, वृक्षों के प्रति हो जाएंगे ना सर, मैं बता रहा हूँ जीवन में पॉजिटिव होने लग जाएगा। पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है, उसकी केयर भी करिए, 10 पेड़ लगाइए, उनको जीवित करिए, आपके जीवन में पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव। दोस्तों आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले नए नए वीडियो बाबा के चमत्कार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ये चैनल तो बाबा ही चलाएंगे, सब कृपा बाबा की होगी। और मुझे पता है आज मैं अकेला हूँ लेकिन एक दिन पूरा वर्ल्ड मेरे साथ होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय बाबा नीप करोरी महाराज की जय। नर पहि पनि हरई पुराण शिव राखी सुति नीति अरू, मैं नहीं पावा क्लेश, ए विधि धरम विविध तनु, ज्ञान न गयहुं खगेश्यावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम।